बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर गीता कपूर या फिर गीता माँ कह सकते हैं, जिन्होंने बॉलीवुड के कई सारे सुपरस्टार्स को अपनी उंगलियों पर नचाया। इसके अलावा गीता को एक और शो के लिए याद किया जाता है। जैसे ही ये शो टीवी पर आने वाला होता है, वैसे ही सबको गीता की याद आ जाती है। द वे शी यूज्ड टू से सुपर फैंटाबुलस। बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, गीता कपूर सोनी टीवी के डांस रियलिटी शो इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीजन 4 में बतौर जज वापसी कर रही हैं। गीता माँ के नाम से मशहूर गीता कपूर कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस के साथ साल 2020 से इस शो को फर्स्ट सीजन से जज कर रही हैं। शो के तीसरे सीजन में करिश्मा कपूर ने गीता को और टेरेंस को बतौर जज ज्वाइन किया था। शो से जुड़ी खबरों के साथ अब गीता कपूर को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं और उनकी शादी की गॉसिप भी शुरू हो गई है। बता दें, गीता कपूर ने नवभारत टाइम्स को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में शादी की अफवाहों पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हम सभी लोगों को अपनी नेटवर्थ को लेकर अफवाहों का सामना करना पड़ता है। जैसे मैंने कहीं देखा कि किसी ने लिखा, मेरे पास करोड़ों की गाड़ियां और बंगले हैं, फिर मैं सोचती हूँ कि ये सब कहाँ है, मुझे तो पता नहीं। गीता कपूर ने आगे कहा कि मैं सोचती हूँ कि कहाँ है ये करोड़ों की गाड़ियाँ, मैं इसे चलाना चाहती हूँ। कहाँ है ये करोड़ों के बंगले, मैं वहाँ रहना चाहती हूँ। मेरे पास ये करोड़ों रुपए किस बैंक में है, मैं इन्हें खर्च करना चाहती हूँ। इसलिए ये अफवाहें मुझे हैरान करती हैं। हमारे पास जो संपत्ति है उसके बारे में सरकार को पता है और हम उस पर टैक्स भी देते हैं। गीता ने आगे कहा, मेरे बारे में एक और अफवाह फैलती है कि मैं शादीशुदा हूँ। मैंने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है, जो कि मैंने नहीं की है। अगर मेरी शादी हो जाती तो मैं बड़े गर्व से कहती कि हाँ, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे कई बच्चे हैं। बस ये अफवाह बंद होनी चाहिए। बता दें कि डांस रियलिटी शो इंडियाज़ बेस्ट डांसर का प्रीमियर 13 जुलाई को हुआ। इस रियलिटी शो के एपिसोड शनिवार और रविवार को सोनी टीवी पर आएंगे। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।